क्या हार्दिक पांड्या जो कि कप्तान है मुंबई इंडियंस के, उनकी वजह से रोहित शर्मा जो कि पूर्व कप्तान है मुंबई इंडियंस के, वो छोड़ने वाले हैं मुंबई इंडियंस? वही कप्तान जिस कप्तान ने मुंबई इंडियंस को 5 आईपीएल ट्रॉफीज जितवाई है, अब छोड़ने की नौबत आ गई है। मुंबई इंडियंस के फैंस के लिए आई बहुत बुरी खबर। आईपीएल 2024 बिल्कुल भी अच्छा नहीं बीत रहा है मुंबई इंडियंस के लिए, और ऐसे में बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है रोहित शर्मा के लिए, रोहित शर्मा की तरफ से, कि भाई क्या वो मुंबई इंडियंस छोड़ने वाले हैं? बिल्कुल, रोहित शर्मा पिछले एक दशक से एमआई के लिए कप्तानी कर रहे थे और इतनी शानदार कप्तानी की, उनके कप्तानी में 5 ट्रॉफीज एमआई ने जीती और ये 5 ट्रॉफीज सर्वश्रेष्ठ है। अगर हम बात करें आईपीएल हिस्ट्री की, तो सबसे ज्यादा ट्रॉफीज किसी के पास है तो एमआई के पास और चेन्नई के पास। दोनों ही टीमों ने आईपीएल में अब तक 5 बार ट्रॉफीज जीत ली है, उसके बावजूद इस तरीके का निर्णय लेना। जब से एमआई फ्रेंचाइजी ने यह निर्णय लिया कि रोहित शर्मा को कप्तान नहीं बनाया जाएगा, उनके जगह हार्दिक पांड्या एमआई की कप्तानी करेंगे, काफी आलोचनाएं हुई थी इस निर्णय पे कि किस तरीके का निर्णय। जो खिलाड़ी भारतीय टीम का कप्तान है उसको हटाकर आप किसी और को कप्तान बनाते हैं, जो खिलाड़ी इंजर्ड रहा है, जिस खिलाड़ी का काफी समय से परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला, और वो खिलाड़ी मतलब आपके टीम में तब कप्तान था जब वो खिलाड़ी भारतीय टीम का कप्तान था ही नहीं। रोहित शर्मा तब से कप्तानी कर रहे हैं एमआई की जब वो भारतीय टीम के भी कप्तान नहीं रहते। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं कि रोहित शर्मा एमआई को छोड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं दूसरे फ्रेंचाइजी में शामिल होंगे। बिल्कुल सही कहा दिव्यांशु, और ऐसे में जो अपडेट आ रही है वो अगर आपको बताएं तो हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी से बहुत नाराज है रोहित शर्मा, ड्रेसिंग रूम में भी सिनेरियो बिल्कुल भी खास नहीं है, और ऐसे में इस आईपीएल 2024 के बाद रोहित शर्मा छोड़ सकते हैं मुंबई इंडियंस, जो सोर्सेस के हिसाब से खबर है। और ऐसे में दिव्यांशु, वो कप्तान जिसने आपको 5 ट्रॉफीज जितवाई, फिर आप उसी कप्तान की डिसरिस्पेक्ट करते हो, हार्दिक पांड्या को उनके आगे कप्तान बनाते हो, और अभी भी स्ट्रगल कर रही है मुंबई इंडियंस, 3 मैच और 3 हार का सामना करा है मुंबई इंडियंस ने, और ये हार का जो सिलसिला है तब और भी ज्यादा बढ़ गया जब वानखेड़े में आप अपने होम ग्राउंड पर हारे, और वो ज्यादा शर्मनाक हार थी फॉर मुंबई इंडियंस, क्योंकि वानखेड़े में डोमिनेशन के लिए जानी जाती है। लेकिन ऐसे में बीच में खबरें ये भी आई थी कि भाई क्या रोहित शर्मा को वापस कप्तान मुंबई इंडियंस बना सकती है, और उसी पर दिग्गज खिलाड़ी माइकल वॉन का भी बहुत बड़ा बयान आया है, जो कि बहुत बड़े दिग्गज खिलाड़ी रह चुके हैं, उन पर भी नजर डालते हैं उनके, माइकल वॉन के इस बयान पर। मैंने कभी भी भारतीय भीड़ को अपने ही किसी की बुराई करते हुए नहीं देखा, यह उल्लेखनीय है। बुराई मुझे कहना होगा कि भारतीय भीड़ सिर्फ क्रिकेट को पसंद करती है, मैंने उन्हें कभी किसी की बुराई करते नहीं सुना। जब वह अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेले थे तो मुझे उनकी ही आलोचना का सामना करना पड़ा था। बड़ी बहस है कि क्या रोहित शर्मा कप्तान बनेंगे, इससे भारत में काफी ड्रामा हुआ है। बिल्कुल, ये था माइकल वॉन, दिग्गज खिलाड़ी रह चुके हैं, इन्होंने बयान दिया है यहाँ पे कि भाई बहुत बड़ा बवाल बन चुका है इस समय रोहित शर्मा की कैप्टनसी जो छोड़ के आपने हार्दिक पांड्या को दिया, और फैंस इस डिसीजन से, दिव्यांशु, फैंस ही बहुत ज्यादा नाराज हो गए। जो क्रिटिसिज्म आज हार्दिक पांड्या से रहे हैं, जो रोहित शर्मा को सिंपैथी मिल रही है, कहीं ना कहीं इसी एक डिसीजन के पीछे पूरा बवाल खड़ा हुआ है, जहां पर बहुत सारे दिग्गजों का मानना है कि माइट भी मुंबई इंडियंस की कप्तानी वापस रोहित शर्मा को जा सकती है। और यहां पर माइकल वॉन कहते हैं कि क्या रोहित शर्मा फिर से कप्तानी करने वाले हैं मुंबई इंडियंस की, क्योंकि फिलहाल ये बहुत बड़ा बवाल बन चुका है भारत में। अगर आप देखेंगे भाई हार्दिक पांड्या, अगर आप इनकी कैप्टनसी देखेंगे, परफॉर्मेंस तो आ ही नहीं रही है, लेकिन कैप्टनसी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, और वहीं पर लैक कर रहे हैं हार्दिक पांड्या। 3 में से 3 हार ऑलरेडी मुंबई की आ चुकी है। सूर्य कुमार यादव अगले मुकाबले में जरूर आपके पास क्वालिटी होंगे, बट उससे भी बड़ी कंसर्निंग बात यह है दिव्यांशु कि अगर रोहित छोड़ेंगे मुंबई इंडियंस तो उसके बाद मुंबई इंडियंस का हाल कैसा होने वाला है, और साथ ही साथ कौन सी फ्रेंचाइजी में रोहित शर्मा जाने वाले हैं। बिल्कुल, और जिस तरीके से हमने देखा फ्रेंचाइजी ने डिसीजन लिया कि रोहित शर्मा अब कप्तान नहीं रहेंगे, और उसके बाद भी वो टीम के साथ जुड़े रहे, अभी भी 3 मुकाबले खेल रहे हैं, ये उनकी अच्छाई है, ये उनका बड़प्पन है कि अभी भी लगे हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से सोर्सेस के अनुसार, खबरों के अनुसार ये पता चला है कि जिस तरीके का निर्णय ले रहे हैं हार्दिक पांड्या कप्तानी में, जिस तरीके से टीम परफॉर्म कर रही है, लगातार 3 मुकाबले हारी है, कहीं ना कहीं उससे नाखुश है,
नाराज हैं और यही एक कारण है जिससे खबरें आ रही हैं कि वो अब एमआई की जो टीम है, एमआई की जो फ्रेंचाइजी है, आने वाले आईपीएल 2025 के सीजन में वो किसी और फ्रेंचाइजी में शामिल हो जाएंगे। और अगर वो इस तरीके का विचार बना रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं, तो ध्रुव मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं सही होगा, क्योंकि आप किसी ऐसे फ्रेंचाइजी के साथ क्यों ही जुड़ा रहने चाहेंगे, क्योंकि जिसके लिए आपने डिसरिस्पेक्ट करें, बिल्कुल आपका डिसरिस्पेक्ट भी कर रहा है, आप उसके बावजूद भी उनका साथ दे रहे हैं और उसके बावजूद रिजल्ट नहीं आ रहा है। बिल्कुल सही कहा दिव्यांशु, और ऐसे में इंपॉर्टेंट रहने वाला, अगर कुछ बचा सकता है, रोक सकता है रोहित शर्मा को, तो वो है अगर आप वापस कप्तानी देंगे। बट खबर सबसे बड़ी बात कि वो कप्तानी एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। एग्जैक्टली, सबसे वही बीच में खबर भी आई थी कि भाई अगर कप्तानी देंगे तो रोहित शर्मा मना भी कर सकते हैं। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, आप अपना ओपिनियन इस बारे में बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए देखते रहिए तूफान स्पोर्ट्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब। तूफान स्पोर्ट्स।